नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मिशन 29 की तैयारी में जुटी बीजेपी, कल होशंगाबाद आएंगे पीएम मोदी, बीजेपी प्रत्याशी समर्थन में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे, जिसमें पहले का चरण चुनाव 19 अप्रैल को कराया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीयूईटी पीजी का रिजल्ट घोषित, टॉपर्स लिस्ट भी जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी पीजी का परिणाम 13 अप्रैल को घोषित कर दिया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक इन कर सकते हैं। एनटी ने विषयवार टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। 16 को दिग्विजय, शिवराज 19 को भरेंगे नामांकन। प्रदेश में तीसरे चरण के लिए शुरू हुई लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अब 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को शुरू होगी। इस चरण में कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज चुनाव मैदान में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। महाकाल मंदिर में सुरक्षा जांचने एनबीसी की टीम आएगी। मंदिर के पुजारियों का कार्य नए सिरे से विभाजित होगा। 25 मार्च को धुलैंडी पर्व पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग से 14 लोगों के घायल होने के बाद एक सेवक की मौत से मंदिर की सुरक्षा को लेकर उठाए कदम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आग लगने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम को देश के 4 बड़े मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए भेजा था। 16 को छिंदवाड़ा आएंगे अमित शाह, फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक करेंगे रोड शो। भाजपा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पूरा जोर लगा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आने वाले हैं। 16 अप्रैल को वो यहां पर रोड शो करेंगी। आधे एमपी में आज आंधी चलेगी, बारिश होगी, भोपाल इंदौर समेत 30 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में 6 दिन से आंधी बारिश ओले गिरने का दौर जारी है। शनिवार को ऐसा ही मौसम रह सकता है। प्रदेश के आधे हिस्से में तेज आंधी और हल्की बारिश का अनुमान है। नर्मदापुरम छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से ओले बारिश का मौसम बना हुआ है। टीकमगढ़ में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, हितानंद शर्मा ने दिलाई सदस्यता। मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय टीकमगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के नमो युवा सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन साहू के छोटे भाई शिवा साहू पार्षद नगर पंचायत जतारा, राजेश तिवारी पार्षद कलीम अली और मनीष चौबे ने सदस्यता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 को आएंगे दमोह, आयोजन की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता और पदाधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को दमोह आकर भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम की औपचारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बोली, कांग्रेस ने नौकरी छुड़वाई, टिकट भी नहीं दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरी अब एक बार फिर से नौकरी ज्वाइन करना चाहती हैं। उन्होंने मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखकर इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरी नौकरी छुड़वाई, टिकट भी नहीं दिया, ये मेरे लिए धक्का है। भोपाल लोकसभा चुनाव एक्टिव मोड में टीम, अब तक 1.24 करोड़ की अवैध शराब नकद जब्त। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस और जिला प्रशासन की टीम्स एक्टिव मोड में हैं। आचार संहिता लगने के बाद अब 1.24 करोड़ रुपए की अवैध शराब और नकद राशि जब्त की जा चुकी है। इनमें 57 लाख की अवैध शराब और 59 लाख रुपए की नकदी शामिल है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।